तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन कप्तान रोहित शर्मा का आया तूफान। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर। इंग्लैंड की गेंदबाजों की उड़ा करके रख दी धज्जियां। इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली के आगे रोते विलखते नजर आए। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने और यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर के धोया। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, कोच राहुल द्रविड़ का भी माथा चकरा गया जब ऐसी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की देखी। आप जब यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी देखेंगे तो आपके भी एक बार रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐतिहासिक पारी खेल डाली। पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक आप लोगों को मुकाबला दिखाने जा रहे हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट मुकाबले के जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और बल्लेबाजी का न्योता भारतीय टीम को दिया, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से सबसे घातक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतर पड़े। जहां पर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। रोहित शर्मा ने पहले एक ओवर में 3 छक्के और 2 चौके लगातार जड़ दिए। रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। इंग्लैंड की घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के आगे रोते विलखते नजर आ रहे थे। रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर ऐसा कहर बरसाया कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी। रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते गए, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने 4th ओवर में 5 छक्के और 1 चौका शानदार जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर यहां पर हर कोई हैरान था। तो भाई रोहित शर्मा ने 11वें ओवर में 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 6 छक्के जड़ दिए और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोच राहुल द्रविड़ ने खड़े होकर ड्रेसिंग रूम में ताली बजाई और रोहित शर्मा को सलाम ठोका। रोहित शर्मा ने तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन इतनी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज यहां पर हैरान और परेशान थे। तो वहीं रिंकू सिंह और विराट कोहली ने तीसरे टेस्ट मुकाबले में वापसी करते इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर के धोया। रोहित शर्मा ने और यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी की ही, लेकिन दूसरी तरफ रिंकू सिंह और यहां पर विराट कोहली ने तीसरे टेस्ट मुकाबले में वापसी करते ही ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से शतकीय पारी खेल डाली और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर के धोड़ा। लेकिन शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। रोहित शर्मा ने 400 और यहां पर विराट कोहली ने 200 और रिंकू सिंह ने 150, यशस्वी जायसवाल ने 180 रन ठोक दिए, जहां पर भारतीय टीम का काफी स्कोर हाई लेवल पर पहुंच गया। लेकिन इनके बीच वार्म अप मुकाबला खेला गया, रियल मुकाबला 15 फरवरी को होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके दुआ कामना बना रही कि हमारी भारतीय टीम मुकाबला जीते मिलते।